हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी समय से वीडियोस नहीं बना रहा हूं, इसके लिए मैं वापस आता हूं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने राजस्थान कॉन्स्टेबल परीक्षा में थर्ड रैंक के साथ अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है और आपका क्या टाइम टेबल रहता था और आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है या नहीं की है। इसी के साथ इन्होंने एक और परीक्षा में चयन हुआ है, आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले भैया से इंट्रो लेने की कोशिश करेंगे। भैया, आपका नाम और थोड़ा बहुत इंट्रो दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नरपत देवासी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के अंदर मेरा दो जगह से चयन हुआ है। एक जिला पुलिस श्रीगंगानगर, वहाँ ऑल ओवर में तीसरी रैंक लगी है, और एक दिल्ली RSC, वहाँ मेरी ऑल ओवर में चौथी रैंक लगी है। अच्छा, तो भैया जैसा कि आपने आपकी मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कौन 12th कहाँ से की, और ये थोड़ा बहुत बता दीजिए इसके बारे में। मेरा जिला बाड़मेर के अंदर बालोतरा तहसील पशुपतरा तहसील के पास सेंडली जागीर गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, एक सामान्य फैमिली से। अच्छा, तो आपने मतलब आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से संपन्न हुई है? मैंने 12th बालोतरा से प्राइवेट स्कूल से की थी, उसके बाद मैं बाड़मेर से लग गया था और वहाँ संकल्प क्लास कोचिंग से पढ़ाई की थी। अच्छा, तो आपने कोई संकल्प क्लासेस कोचिंग ज्वाइन की थी। अच्छा, तो आपके अंदर शुरुआत से आप मतलब सुना है कि नॉर्मल बैकग्राउंड और आपके देवासी समाज से बिलोंग करते हो और यहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी बहुत रुचि कम होती है जैसा कि आपको पता है, और यहाँ मतलब पशुओं के प्रति पालन पोषण इस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, लेकिन आपने इस क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार ग्रोथ किया, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताइए। सर देखो, हमारा पशुपालन धंधा जैसे धीरे धीरे बंद होने वाला ही है, और फिर बाढ़ में गए और वहाँ पर कोचिंग की। अच्छा, तो कोचिंग ज्वाइन करने से आपको कोई मतलब लाभ हुआ या नहीं हुआ? आपको कोचिंग मतलब आप इन ऑडियंस को क्या चला देना चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहेंगे? नहीं, जो सेल्फ स्टडी कर सकता है तो वो तो ठीक है, जिससे वो पढ़ाई सेल्फ अपने आप नहीं होती है उससे कोचिंग से फ़ायदा है। कोचिंग से मेरे को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो जैसा कि सभी को पता है, आपकी थर्ड रैंक लगी राजस्थान में, राजस्थान के अंदर। तो आपने सभी मतलब ऑल सब्जेक्ट को किस राजस्थान में नहीं है, वो गंगानगर जिला। अच्छा, उसमें जिले वाइज मेरिट बनी है। अच्छा, जिले वाइज। तो आपने किस प्रकार मतलब पढ़ाई की, थर्ड रैंक लगी उसमें? हाँ, वो हम डेली 8-9 घंटे पढ़ते थे और 8-9 महीने मेरी कोचिंग चली थी, और पिछली बार लॉकडाउन में हम वहीं रूम में बैठ कर पढ़े थे। अच्छा, और रोज 8-10 घंटा रोज पढ़ते थे। अच्छा, तो आपका मतलब टाइम टेबल क्या रहता था सुबह मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक? वही सुबह 6 बजे उठते थे और दिन भर पढ़ते थे, 11 बजे खाना बना के थोड़ा बहुत दिन में 1-8 घंटा रेस्ट कर लेते थे, और रात को लेट तक पढ़ते थे, सुबह 6 बजे ही उठते थे। अच्छा, रात को 12 बजे तक पढ़ लेते थे। अच्छा, मतलब आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? वही मेरे माता पिता और कोचिंग संस्थान को। अच्छा, तो अंत में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ऑडियंस को कि किस प्रकार आप मोटिवेट रहें और किस प्रकार आप पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखें? आप जो सेल्फ स्टडी कर सकता है वो तो सेल्फ स्टडी करें, और जिससे सेल्फ स्टडी न होके ध्यान इधर उधर भटके तो आप कोचिंग जाके, तो कोचिंग से कंटिन्यूटी बनी रहती है, बस यही है। और दिन में 12 घंटे या 10-12 घंटे 2 साल मेहनत कर लेते तो आराम से हो जाता है, हर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, 2 साल मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में भरोसा रखो, बस यही है। कोचिंग के द्वारा दिए हुए नोट्स पढ़ो, और जो नोट्स में सीज प्राप्त न लगे वो किताबों से पढ़ो, यही है। ठीक है, बस डेली 10 घंटे और 2 साल तक मेहनत कर लेते हैं, हर किसी का हो जाएगा सिलेक्शन, यही कहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।